हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बताएंगे ज्वाइंट फ़ोटो कैसे बनाते हैं और ज्वाइंट फ़ोटो को कैसे प्रिंट करते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटोशॉप को यहाँ से ओपन करेंगे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद हम फ़ोटो को ओपन करेंगे तो हम अपने फोटोशॉप को यहाँ से मीनवाइज कर देते हैं मीनवाइज करने के बाद इसके बाद मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है हम फाइल पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा दो फ़ोटो है हम इन दोनों फ़ोटो को फोटोसा में ओपन करेंगे तो इन दोनों फ़ोटो को माउस से सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम माउस से पकड़ कर खींच के इस तरह से फोटोसा में ओपन करेंगे आप देख सकते हैं मेरा फोटोसा में फ़ोटो ओपन हो गया तो हम इन दोनों फ़ोटो को ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल यन दबाएंगे कंट्रोल एंज से आपको यहाँ से पेज साइज सेट कर लेना है आपको यहाँ इस पर आना है आपको नीचे आना है यहाँ से दो गड़ी तीन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सीधा है तो हम इसको रोटेट करेंगे रोटेट करने के लिए आपको यहाँ इमेज पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसके बाद नीचे आना है रोटेट कन्वेंस पे क्लिक करना है उसके बाद आपको इधर आना है आपको 90 डिग्री पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ये रोटेट हो गया उसको हम पकड़ के इधर कर देते हैं करने के बाद इसके बाद हम इस, इसमें कलर फिल करेंगे जो हमको बैकग्राउंड चाहिए तो कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ इस्पिक क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर ले सकते हैं तो हम यहाँ से ब्लू ले लेते ले हैं ले इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से हम ओके �OK कर देंगे ओके करने के बाद अपने कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा देंगे आप देख सकते हैं इसमें कलर फिल हो गया इसके बाद हम पकड़ के इसको इधर कर देंगे करने के बाद इसके बाद हम फोटो के इसमें मूव करेंगे मूव करने के लिए आपको यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ टूल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इस सिलेक्शन है सिलेक्शन को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट करने के लिए अपने की का कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएँगे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएँगे आप देख सकते हैं मेरा फोटो इंसर्ट हो गया उसके बाद हम मूव टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद इस फोटो पर क्लिक करके हम इस पर ला के छोड़ देंगे आप देख सकते हैं इस पर हो गया उसके बाद हम इस फ़ोटो को मिनवाच कर देंगे मिनवाच करने के बाद इस फोटो को इस तरह से हम इस पर ड्रैग करेंगे तो इस पर हम इसको हम मैजिक टूल को इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद इसको भी फिर इंसर्ट करेंगे इंसर्ट कर इंसर्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं इंसर्ट हो गया उसके बाद मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फोटो पर क्लिक करके इसको इसमें ड्रैग कर देंगे उसको उसके बाद मिनवाच कर देंगे मिनवाच करने के बाद आपको यहाँ से बड़ा कर लेना है बड़ा करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं फोटो ये बड़ा है तो हम इसको कंट्रोल माइनस से जूम माइनस कर लेंगे जूम माइनस करने के बाद इसके बाद देख सकते हैं सिलेक्शन यदि सिलेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ ऊपर क्लिक कर लेना है यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन था तो उस पर क्लिक कर हाँ दिया हटिया फिर से आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है आपको यहाँ पर भी क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ आपका ये यह नीचे आना सिलेक्शन है उसके बाद सिलेक्शन फोटो को यहाँ से छोटा करेंगे छोटा करने के लिए इसको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के माउस से इससे छोटा इस तरह से करेंगे हम यहाँ से भी ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं छोटा करने के बाद अपने कीबोर्ड का इंटर बटन दबा देंगे उसके बाद हम थोड़ा सा फ़ोटो को जूम कर लेंगे कंट्रोल <सदवार> प्लस से फ़ोटो को जूम कर लेंगे जूम करने के बाद हम फोटो पे क्लिक करके इसको इधर कर देंगे करने के बाद इस पर फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा इस फोटो को थोड़ा सा हम यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेंगे फ़ोटो को दोनों को हम मिला देंगे फ़ोटो को थोड़ा सा हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे शिफ्ट बटन दबा के माउस से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे उसके बाद इंटर बटन दबा देंगे फिर इस फोटो को थोड़ा सा अपने कीबोर्ड को इसको एरो की से इसको आप इधर उधर इसको कर सकते हैं तो हम थोड़ा थो सा इसको बड़ा कर लेते हैं बड़ा करने के बाद इसको अपने कीबोर्ड को एरो की से इसको आप इधर उधर नीचे ऊपर यहाँ इस तरह से कर सकते हैं एडजस्ट इसको अच्छे से कर सकते हैं तो हम इसको कर लेते हैं फिर इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं बढ़ाने के बाद इंटर बटन दबा देंगे इस तरह से इस फ़ोटो को हम यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देंगे बढ़ाने के बाद इंटर बटन दबा देंगे आप देख सकते हैं मेरा एक फ़ोटो बहुत आसानी के साथ दोनों जॉइंट हो गया आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ मेरा दोनों फोटो ज्वाइंट हो गया अब फ़ोटो को प्रिंट कैसे करेंगे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोटो को सेव करना पड़ेगा तो सेव करने के लिए आपको यहाँ ऊपर फाइल पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना सेव एज पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद उसके बाद फ़ोटो कहाँ सेव करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे फ़ोटो को सेव कर लेते हैं उसके बाद नीचे आपको आना है यहाँ पी लिखा है पी एच क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ जे कर लेना है जे पी उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है ओके करने के बाद हम अपने फोटोशॉप को यहाँ से मिनवाज कर देते हैं मिनवाच करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो सेव हो गया अब फ़ोटो को कैसे प्रिंट करें प्रिंट करने के लिए तो हम अपने मिस्टर फोटो को यहाँ से ओपन करेंगे आप देख सकते हैं मेरा मिस्टर फोटो ओपन हो गया हम मिस्टर फ़ोटो को यहाँ से क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लेंगे छोटा करने के बाद हम थोड़ा मिस्टर फ़ोटो को पकड़ के ऊपर कर देंगे अब हम इस फोटो को मिस्टर फ़ोटो में ड्रैग करेंगे इस तरह से माउस से पकड़ के उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है ओके करने के बाद हम मिस्टर फ़ोटो को बड़ा कर लेंगे क्लिक करके उसके बाद हम इस फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ प्रिंटर पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर पे प्रिंट कैटलाग पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो का साइज बना है तो हम यहाँ फ़ोटो पर क्लिक कर साइज पर क्लिक करके यहाँ से हम बहुत सारा फ़ोटो ले सकते हैं तो दे आप यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक करके बहुत सारा हम फोटो बना सकते हैं यदि आपको और फ़ोटो चाहिए तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपका फ़ोटो बन जाएगा तो मुझे छः फ़ोटो चाहिए तो हम फोटो को बैक कर देते हैं इस पर क्लिक कर देंगे हम यहाँ से इन फ़ोटो को यहाँ से बैक कर देंगे मुझे छः फ़ोटो को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे फ़ोटो पर उसके बाद नीचे आना ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर लिखा है टाइटल डेट टाइटल डेट को हटाएँगे तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ से रिमूव कर देना है उसके बाद इस पर तीसरे नंबर फिट सेल पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना तीर इस तीर पर क्लिक कर देना है आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो किस तरह से एकदम फिट हो गया है उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे जिस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो हम अपने प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे ओके तो करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो किस तरह से प्रिंट हो रहा है तो चलिए हम फोटो को दिखा देते हैं मेरा फोटो किस तरह से प्रिंट हो रहा है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्रिंटर से फ़ोटो मेरा धीरे धीरे इस तरह से प्रिंट हो रहा है आप यहाँ आपको मैं दिखा दूँ यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो किस तरह से धीरे धीरे मेरा प्रिंटर किस तरह से फोटो को प्रिंट कर रहा है अभी कुछ ही देर में मेरा फ़ोटो प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा आप देख सकते हैं मेरा फोटो किस तरह से फ़ोटो प्रिंट होकर बाहर आ गया इसी तरह से बहुत आसानी के साथ आप जॉइंट फोटो बना सकते हैं और फोटो को प्रिंट कर सकते हैं